আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। আরে আও আও, সব দূর দূর অলগ অলগ বেঠো। জি দিদি, বাকি কে সব কহাঁ হ্যায়? দিদি, আজ তো ফিলহাল হম তিন হি লোগ আয়ে হ্যায়, লেকিন মিটিং কে ডিসিশন কো পূজা কমিটি কে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ মে ভেজ দুঙ্গি। কোন পূজা মে কেসে অ্যাক্টিভ রহেগা ও ভি নাহি সমঝ পা রহা, পতা নাহি ইস বার পূজা মে ক্যা হোগা। ইতনা টেনশন কিউ লেতে হো, সব ঠিক হো জায়েগা। পূজা কা থিম ভি অভি তক তয় নাহি কিয়া। পূজা কুছ দিন পহলে তক হোগি কি নাহি ইয়াহি ঠিক নাহি থা, কোই স্পন্সর ভি তো মিলা নাহি। আরে ইসিলিয়ে তো সবি কহ রহে হ্যায় কি পূজা ভি লকডাউন হো জায়ে। পূজা কা মতলব তো দিদি হল্লা গুল্লা, খানা পিনা, মজে সে ঘুমনা ফিরনা, কার্পেন্টার, পুরোহিত, পন্ডাল বনেগা, আরতি হোগি, বিসর্জন। আচ্ছা বতাও দিদি, ইয়ে মাস্ক পহন কে আর ও সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন করকে ইতনা সব সম্ভব হোগা? ইতনা নেগেটিভ কিউ সোচ রহে হো? ভিডিও অ্যাপ পর পুষ্পাঞ্জলি আগর না দে পায়ে প্রণাম তো কর হি সকেঙ্গে, ভার্চুয়াল সিন্দুর ভি লাগা সকতে হ্যায়। ইয়ে লো, ये हुआ इनोवेटिव आइडिया जो हमें काम में लाना है, लेकिन न्यू नॉर्मल गवर्नमेंट गाइडलाइन मान के। प्रतिमा होगी छोटी, पंडाल होगा ओपन, खाने के होंगे पैकेट। लेकिन हमारा विश्वास ना हो तो एग्जीक्यूशन को लेकर भरोसा नहीं है मुझे। बिल्कुल सही बात, पंडाल होगा लकड़ी का, बाकी का काम भी है, सब तो विश्वास कॉन्ट्रैक्टर को ही संभालना होगा। चलो तो एक बार विश्वास के घर चले, वो तो ऐसा नहीं करता। चलिए, आओ दीदी आओ। कैसे हैं विश्वास दा? अरे शंकर दा, लोपा दी, आप सब आइए आइए आइए। अरे हुआ क्या है तुम्हें बताओ जरा, इस समय कोई मोबाइल बंद रखता है क्या? मोबाइल कोई खबर बवर नहीं, एक फोन भी नहीं। अप्रैल महीना लॉकडाउन चालू हो गया था, मई में आम्फान तूफान आ गया, काम की जगह थी सब बह गई, यहाँ तो एकदम कमर तक पानी था, उसमें मोबाइल भी। वो सब समझा, लेकिन मुश्किल क्या, अकेले तुम पर आई बोलो, मतलब एकदम कांटेक्ट ही नहीं रखोगे? हाँ। यही ना। तुम्हें ना जोर से डांट पड़नी चाहिए, समझे? मौसी जी, ओ मौसी जी। शंकर दा, हाँ। वो अब नहीं आ पाएंगे। क्यों? बीते 18 जुलाई माँ हमें छोड़कर चली गई। ये क्या विश्वास दा, बहुत बुरा लगा सुनकर, समझी मैं तुम्हारे मन की हालत भी समझते हैं हम, लेकिन हम भी तो तुम्हारे अपने हैं, एक बार बताया क्यों नहीं? लड़ने की और ताकत नहीं, फिर भी तो पूरी जान लगाकर लड़े जा रहा हूँ, माने इसी को तो कहते हैं जान बांटा। इतने दिन लॉकडाउन होगा वो तो मैं समझा नहीं, इसीलिए जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी वो सब भी खत्म हो गई, माँ भी छोड़कर चली गई, क्या करता, बस अपने मन से कुछ कुछ करता रहता। देखो इस हालत में थीम पूजा नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे बिना हम पूजा करेंगे ये तुमने सोचा कैसे? दीदी पूजा होगी कि नहीं ये तो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरी पूजा है मेरे हाथ, ऊपर वाले ने माँ को बुला लिया और मैं अपने मन से माँ को वापस ले आया माँ की पूजा करने। मतलब? अच्छा आप सबको याद है यहाँ एक आम का पेड़ था? हाँ मुझे याद है। हाँ उस आम के पेड़ को मेरी माँ ने अपने हाथ से लगाया था। अच्छा। वो आम का पेड़ उस आम्फान तूफान में गिरकर खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगा उसके जरिए ही मैं माँ को लेकर आऊँ, उसकी ही पूजा कर लूंगा। आइए ना समझाता हूँ दिखाता हूँ। देखिए कितना सुंदर, उस पेड़ से तुमने ये बना दिया? यही तो इस साल हमारी पूजा का एक सुंदर थीम हो सकता है ना? एग्जैक्टली, प्रकृति ही है हमारी माँ और पूरी पृथ्वी को बचाती है प्रकृति। केवल प्रतिमा में नहीं, प्रतिमा में रहती है माँ दुर्गा। हाँ, यही होगा हमारी पूजा का थीम। तुम्हारे पास समय बहुत कम है दादा, इसी में तुम्हें प्लाई, लेमिनेट्स, लेबर सब इंतजाम करना होगा, उसके ऊपर लेकिन वायरस का भय होगा ना दादा? हाँ आपको है भरोसा तो जरूर हो जाएगा, और उसके अलावा इस सेंचुरी प्लाई एंड लेमिनेट से ही मैं काम करता हूँ, उसमें वायरोकिल है, बस वायरस का डर मुझे है नहीं। माँ ने खुद ही सारा इंतजाम कर दिया है, और क्या चाहिए।